नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कई दिनों से देश में कोरोना की एक नई लहर आई हुई है, जिसके वायरल बुखार और तमाम दूसरी शिकायतों से अब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। बहुत बड़ी संख्या में देश भर में मरीज सामने आते जा रहे हैं और मौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये स्थिति इतनी खराब हुई थी कि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इसकी बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा भी की थी और कई जगह मॉक ड्रिल भी कराई गई थी। इस बारे में सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो कुछ वर्ग के लोगों को होता है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, डायबिटीज या शुगर वाले हैं, और कुछ वो लोग भी इस दायरे में शायद आ सकते हैं जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हीमोग्लोबिन कम होता है तो ब्लड चढ़ता है हर महीने या कभी कभी। तो ऐसे में क्या ये करना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में हम बात करने के लिए इस समय हमारे साथ दिल्ली के जाने माने हार्ट विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट और कालरा हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर RN कालरा जी मौजूद हैं, जिनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि ये कोरोना की नई लहर आई, पहले तो आप संक्षेप में ये बताइए क्या वजह ये दोबारा रिपीट हो रहा है, ये आगे होता रहेगा हर साल ऐसा? ये देखो, ये इसका नहीं, ये कोरोना इतना जल्दी से जाने वाला है नहीं, क्योंकि इट इज अ वायरल डिजीज, इन्फेक्टिव डिजीज है, कॉन्टेजियस डिजीज है। अब कुछ लोगों ने लापरवाही बहुत की, यहाँ पर लोगों को कहा मास्क मत उतारो, लोगों ने मास्क उतार के पार्टियां फंक्शंस कितनी गैदरिंग में मैं भी गया, फंक्शन में गया, लोग किसी ने भी मास्क नहीं लगाया होता था। तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है अपनी सेफ्टी के लिए जी, और बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए भी। लोगों ने मास्क नहीं लगाया, लोगों ने डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करी, लोगों ने हाथ धोने बंद कर दिए, सैनिटाइजेशन कि जैसे एक को वो एक से चार को, चार से आठ को ये बीमारी फैलती गई। तो सर, ये हर साल इस सीजन में होना शुरू होता जाएगा क्या? देखो, जैसे स्वाइन की बीमारी अभी भी कभी कभी हर साल कुछ ना कुछ मरीज स्वाइन के सौ में से एक आ जाते हैं कि नहीं, ऐसे ही कोविड कभी जाएगा नहीं। हर जैसे जैसे ये क्योंकि वायरल डिजीज है, इन्फेक्शियस है, कॉन्टेजियस है, कुछ ना कुछ डिजीज ये रहेगा जरूर एनवायरमेंट में। अच्छा, तो ये जो इस तरह की जो बीमारी है वो कुछ खास वर्ग के लोग है, जैसे जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जो या बुजुर्ग है, हार्ट पेशेंट है, जो हार्ट पेशेंट्स है उनको खास तौर से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना से आर्टरीज में क्लॉगिंग पाई गई है, क्लॉट्स पाए गए हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, किडनी की ट्रबल, लंग्स की ट्रबल, लंग्स बाद में जाके श्रिंक कर जाते हैं, ये सब चीजें देखने में आई हैं। तो जिनको जिनको अस्थमा की बीमारी हो, जिनको लंग्स की बीमारी हो, जिनको हार्ट की बीमारी हो, जिनको शुगर शुगर लोग के वाले लोगों को बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, और वैसे भी बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब बॉडी में क्लॉटिंग की टेंडेंसी इन लोगों में बड़ी हुई होती है। तो जिनको शुगर हो, जिनको ब्लड प्रेशर हो, जो हार्ट के मरीज हो, जो बुजुर्ग हो, जिनके वैसे कैंसर के पेशेंट हो, जिनकी इम्यूनिटी कम हो, उनको खास तौर से प्रिकॉशन लेनी चाहिए। वैसे तो सभी को लेनी चाहिए प्रिकॉशन, ऐसे लोगों को खास प्रिकॉशन लेके डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगा करके कोशिश करें कि बहुत बड़ी गैदरिंग में ना जाएं, जाना मजबूरी हो तो दूर रहे, अपने आप को बचा करके लोगों को बचा कर। डॉक्टर साहब, आपने कैंसर के मरीजों की, उनको भी खतरा है? बिल्कुल, क्योंकि उनकी भी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है ना। अच्छा, और ये जो सांस के रोगी, फेफड़े तो आपने लंग्स वाले तो कहे, सांस के रोगी और टीबी के मरीज हैं, लोगों के लंग्स वैसे ही कमजोर होते हैं, उनकी जो नट जो पाइपलाइन होती है जिसमें से हवा अब नाक से रहते अंदर जाती है जी, वो पहले उनकी सिंकी हुई होती है। ये देखने में आया कि जिन लोगों को कोविड होता है बाद में उनके लंग्स जो है ना सिंक करने सिकुड़ने शुरू कर देते हैं, उनको सांस की ट्रबल बढ़ जाती है। अच्छा, ये कोविड के बाद होने लगे जिन लोगों को कोविड होता है, ये इसको बोलते हैं लंग्स की फाइब्रोसिस। ऐसा क्यों है कि भी कोविड के बाद जिनको हो गया, कोविड की कॉम्प्लिकेशन है? अच्छा अच्छा, तो लेकिन जिन लोगों ने दवाइयां ले ली थी, डोज ले ली थी, टीके लगवा लिए थे, बूस्टर डोज ले ली थी, देखो जिनको टीके लगे उनको भी कोविड हुआ। हाँ जी, हुआ और दबा के हुआ, यानी कि टीके वाले सेफ है। तो क्योंकि वायरस म्यूटेट करता है, क्या पता अब कोई कोई बंदा कितनी बार इम्यूनाइजेशन लगवाएगा, कितनी बार वैक्सीन लगवाएगा जी, ये तो हर छह महीने साल में वायरस म्यूटेट करता रहेगा। और एक ही पर इंजेक्शन, इवन वैक्सीन से कौन सी फुल प्रोटेक्शन है? नो डॉक्टर साहब, टीबी के मरीजों को भी खतरा है क्या इससे? वो टीबी क्योंकि लंग्स वीक होते हैं उनके, हाँ जी, लंग्स वीक है, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, तभी तो उनको फ्लेयर अप हुआ टीबी। तो ऐसे लोगों को बहुत
खास ख्याल रख के चलना और चाहिए। बच्चों के लिए आपका क्या कहना है? इस जो कोविड इस बार फैला है उसे बच्चे ज्यादा मालूम है, 12 साल से कम वाले बच्चे, एक क्योंकि बच्चों को बिल्कुल वैक्सीन लगी नहीं, दूसरा बच्चे ना खेल रहे हैं आपस में बातें कर रहे हैं तो उतनी उनको बच्चे को मास्क लगा कर उन्होंने आपस में खेलना भी है, बातें भी कर रही है, पढ़ना भी है, कट्टे बैठ कर पढ़ना भी है, शरारतें भी कर रही है, तो बच्चे मास्क का जो है ना वो जो उसको सस्टेन नहीं कर पाते। तो डॉक्टर साहब और कौन सी कैटेगरीज हैं लोगों की जिनको सावधानी बरतने की आप समझते हैं कि? वैसे तो सभी को करनी चाहिए, चाहे किसी कोई कोई बीमारी है या नहीं है, क्योंकि डिजीज डिजीज वो डिजीज क्या टर्न ले ले कुछ पता नहीं, क्योंकि ये जो इस बार हुआ कोविड कोई इतना ज्यादा क्रिटिकल या इतना ज्यादा सीरियस नहीं है जितना कि डेल्टा वेव थी। हाँ पर ये भी कोविड कोविड ही है ना, लेकिन लेकिन मौतें तो फिर भी इससे भी हो रही है। हाँ हो रही है पर इतना नहीं जो 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 ये डेल्टा वेव का टाइम हुआ था। डॉक्टर साहब जिनको थैलेसीमिया है या जिनका हीमोग्लोबिन डाउन होता है और उनको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है उनके लिए उनकी भी इम्यूनिटी वीक होती है, उनको कितना खतरा है? नहीं उनकी इम्यूनिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी खून की कमी से ऑफकोर्स बॉडी में वीकनेस होती है, थकावट जल्दी होती है, इतना काम नहीं कर पाते, पर वो जिसको होना तो हो गई रहेगा। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तो इन्फेक्शन नहीं होता? नहीं 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 इट इज वायरस। अच्छा खाने पीने में क्या, खाने पीने में क्या सावधानी बरतें? इसको देखो अपनी डाइट को रिच फ्रूट्स खाओ, जूसेस लो, वेजिटेबल्स लो, पनीर खाओ, नट्स खाओ, ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बन जाए। अच्छा अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो यू कैन फाइट विद द डिजीज, और क्या पता डिजीज आपको जल्दी से पकड़ ना बीमार कर सके आपको। नट्स जो है भिगो के खाने चाहिए या ऐसे सूखे, क्योंकि गर्मी का मौसम है? कोई फर्क कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा और दूसरा ये है कि ये परहेज किन किन चीजों का इस जब तक बीमारी है? कोई परहेज नहीं है, जैसे मान लो खांसी होगी तो बच्चों तली चीज खट्टी चीज ना खाएं, आइस का इस्तेमाल ना करें ताकि खांसी ना हो बार बार। और एक चीज और देखने में, जिनको कोविड इस बार हुआ है उनकी खांसी को ठीक होने में बड़ा लंबा टाइम लग रहा है इस बार कोविड में, चाहे वो कोविड नेगेटिव भी हो जाए 8-10 दिन के बाद फिर भी खांसी इस तरह लॉन्ग टाइम टिको। हाँ खांसी तो लोग इस बार ज्यादा लंबी जा रही है, ज्यादा लंबा टाइम ठीक होने में। तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए खांसी करने? कुछ नहीं, टेक कफ सिर्फ, और कफ सिर्फ और गर्म पानी से भी काम चलेगा कुछ? हाँ नहीं कफ सिर्फ लेना अगर कफ ज्यादा परेशान कर रही है, टेक समय जी आप क्या कह रहे हैं? हेलो एंटी एलर्जिक मेडिसिन। अच्छा वैसे गर्म पानी पीना भी सेफ है ना, ले सकते हैं? वो सेफ है गर्म पानी, कोसा पानी दिन में 3-4 बार कोसा पानी, लुकवार्म वाटर ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ये जो इंजेक्ट जिनको डोज लग चुकी है बूस्टर डोज लग चुकी है तो अभी उनको फिर बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी इस कोरोना की फेज? देखो ये देखो जी इसका लगवाने फिर भी भरोसा नहीं असर करेगा ना। हाँ जी थ्योरेटिकली लगवाने पर ऐसा करे ना करे पता नहीं, फिर भी तो हो ही रहा ना कोविड, जिन्होंने जिन्होंने 3 डोज लगवाई उनको भी हुआ ना कोविड। तो फिर उसका इलाज क्या है? नहीं कुछ इलाज नहीं, अपना अपना बचा के रखो, अपने आपको बस अपने आपको बचा के रखें। आई डोंट बिलीव इन द वैक्सीन, मैं से पूछा तो। अच्छा यू डोंट बिलीव, हमने देखा ना लोगों को वैक्सीन के बाद भी फिर फायदा क्या लगवाने का? हाँ दो दो बार के बाद भी कोरोना हुआ है क्योंकि वायरस इज म्यूटेटिंग, कब तक तुम कितनी बार वैक्सीन लगवाओगे अपनी बॉडी में और फिर वैक्सीन के अपने साइड इफेक्ट। डॉक्टर साहब एक चीज जब आप डेल्टा वाला कह रहे हैं सेकंड लहर कह रहे हैं तो उस समय जो पहली बार आया था कोरोना तो उस समय गर्मी का सीजन था और लोगों ने एसी नहीं चलाए थे, कहा जा रहा था कि एसी ना रखें। नहीं, 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 वो देखो एसी में क्या होता है कि वही हवा करती है सर्कुलेट अंदर। हाँ अभी भी तो गर्मी का सीजन है ना, अभी भी गर्मी का सीजन है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। देखो एसी एसी से क्या कमरे बंद होते हैं, मान लो 1 कमरे 5 या 10 हॉस्पिटल में एसी चल रहा है, सब सारा क्लोज है तो एसी की हवा तो पूरी हुई करेगी ना सर्कुलेट जी, तो इससे बीमारी फिर बड़ी जल्दी फैल जाती है बाकी लोगों में। तो मतलब एसी से जरा बच के रहे, जैसे आप घर में लेटे हो एक दो बंदे घर में तो एसी चलाओ, उसे क्या दिक्कत है? पब्लिक प्लेसेस में जहाँ ज्यादा लोग हो, जहाँ पब्लिक डीलिंग पब्लिक जहाँ बहुत ज्यादा इकट्ठी है हाँ, तो वहाँ एसी खराब कर सकता है। तो घर में भी तो मेंबर होते हैं, 1 मेंबर 2 मेंबर 1 कमरे में कितने बंदे सोते हुए? अच्छा अच्छा मतलब वो सर्कुलेशन से प्रॉब्लम है, ठंडी हवा में कोरोना बढ़ता है ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, सर्कुलेशन से प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा और कुछ डॉक्टर साहब कहना चाहेंगे? नहीं नहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया डॉक्टर साहब। ये थे तो दोस्तों ये थे डॉक्टर आरएन कालरा, कालरा हॉस्पिटल के मेडिकल हेड और सीईओ, जो बता रहे थे कि कोरोना में अगर आपने बूस्टर डोज वो ले ली है तो उसका कुछ महत्व इतना नहीं है कि आप दोबारा लें या ना लें, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि वो परहेज और सावधानी बरतना ही सबसे जरूरी है ताकि आप इससे बचे रह सके।
अगले कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।